सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी बहनें वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाएं और देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल से अगर ना जुड़ी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं, सुनील कुमार पाल भाई ने अपने उत्तर प्रदेश वाले आंगनबाड़ी ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में हाईकोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी वर्कर बहनों से बीएलओ ड्यूटी समाप्त करने के संबंध में जिला अध्यक्ष बहन है गाजियाबाद से गीता राय बहन, जिनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है गीता बहन को और साथ ही उनकी अन्य सभी सहयोगी बहनों को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ये प्रयास किया है, क्योंकि देखो कोर्ट से तो ऑर्डर आ चुका है कि बीएलओ जैसे कार्य गैर भागी जो भी कार्य उन सबसे बहनों को हटाया जाए। तो ऐसे में अब एक प्रयास ऐसे भी करना चाहिए जो कि बहन ने किया है। हर जिले से अगर हर बहने उसी कोर्ट की कॉपी को ले जा करके और इन सब चीजों को लगा करके और अपना एक ज्ञापन दे देंगी तो मेरे ख्याल से इस बीएलओ वाले कार्य से शायद पृथक करने पर थोड़ा और जो है प्रयास हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये देखिएगा बहने हैं जिन्होंने जाकर के ज्ञापन सौंपा है। अब चलते हैं आगे और भी कुछ जानकारियां आपको दिखाते हैं। मोबाइल की वजह से थोड़ा दिखाने में इस समय दिक्कतें आती हैं। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से आप देख रहे हैं, ये आप जिलाधिकारी जो है वहां के गाजियाबाद के जनपद में, उनको एक ये लेटर ऐसे बहनों ने टाइप किया था, देने से पहले जानकारी जो है भेज दी गई थी, जिसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। लिखा है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के रिट पिटीशन संख्या सब दी है मनीषा कनौजिया वाली बहन, उन्हीं के द्वारा कोर्ट से ये एक बढ़िया सी जीत मिली थी, लेकिन अभी जिलों में इसको लागू नहीं किया गया है, यानी बहनों को अभी बीएलओ जैसे कार्यों से मुक्त नहीं किया गया है और तो और यहां पर अन्य गैर विभागी कामों से भी छुटकारा नहीं दिया गया है। इसी संबंध में बहनों ने वहां पर जिले में अपने अवगत कराया है कि बहनों को इन वाले कामों से जो है अलग किया जाए, न्यायालय के उस जो है आदेश को भी जो है उसकी जो भी कॉपियां हैं जैसे कि उसका रेट संख्या हो गया वो सब यहां पर दिया गया है और उसका अवलोकन करें और जो भी कोर्ट ने कहा है उसका अच्छर सा पालन किया जाए, इन्हीं सब चीजों को लेकर के वहां पर अवगत कराया गया है ताकि बहनों को बीएलओ जैसे ड्यूटी से अलग किया जाए। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ बताते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र से आनन फानन हटाया गया है एक्सपायरी डेट का पुष्टाहार। तो आप देख सकते हैं ये बड़ौत पड़ता है, वहां से एक जानकारी थी कि 40 से अधिक गांवों में बांटा गया है पुष्टाहार, मामले में विभागीय जांच भी अब शुरू हो गई है। तो एक्सपायरी डेट का पुष्टाहार बटा, देखो दिक्कतें क्या है, दिक्कतें यही है कि जो बन रहा है वो नियमित नहीं पहुंच पा रहा है। आप देख रहे होंगे कई कई महीना पिछला वाला पोषाहार पहुंचाया जा रहा है, तो दिक्कतें हैं, इसीलिए जो चीजें हैं समय पर अगर पहुंच जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। अब यहां पर नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी डेट लेखा राशन पुष्टाहार वितरित कर दिया गया। अब आनन फानन में आंगनबाड़ी केंद्रों से यह पुष्टाहार हटवाया जा रहा है, वही मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर कारण क्या रहा, रुका क्यों रहा जो एक्सपायरी हो गया और फिर ये चीजें एक्सपायरी वाली पहुंचाई क्यों जा रही इस वजह से। तो आपने देखा होगा कई जगह बहनों को जो दाल है वो खराब मिल जाती है, सड़ी हुई एकदम पहुंचा दी जाती है। तो ये जो भी कमियां हैं वो अगर कोई अधिकारी क्यों ना हो बाल विकास प्रबोधना कार्यालयों में या उससे ऊपर का जहां से भी आ रहा है, तो जहां कहीं अगर पहले से ही पता हो जाए कि फला चीज खराब है तो उसका वितरण यानी उसको आगे ना बढ़ाया जाए, इस पर तो कम से कम फोकस हो ही सकता है। खाने पीने के सामान हो सकता है कभी कभी खराब हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, तो ये कुछ चीजें होती हैं, लेकिन इनमें ध्यान दिया जाए कि अगर खराब है तो उसको आगे ना बढ़ाया जाए। कई बार मैंने देखा है बहनों को परियोजना कार्यालयों से एकदम सड़ा हुआ जो है राशन पहुंचा दिया जाता है, बताओ बहनें उसका क्या करें, तो वो बांटने से भी रही। तो ऐसी चीजें हैं, जिसको देंगी वो भी चार जो है गालियां देगा तो क्या फायदा। तो अगर कार्यालय से आ रहा तो उसको वहीं रोक दिया जाए जब वापस ही होना है, तो इन चीजों पर थोड़ा फोकस किया जाए। तो ये कमियां हैं हमारे विभाग में, इनमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, ये अगर अधिकारी चाहें तो बहुत आराम से उन चीजों को वहीं पर रोक करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आ रहा है तो उसको समय पर पहुंचाओ, इस पर थोड़ा सख्ती भी बरती जाए कि चीजें आखिर समय पर क्यों नहीं आ रही है, क्यों इतना लेट सब चल रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। लेटर तो बार बार आते ही जाते रहते हैं, तो इस तरह के एक ये मैटर हमारे सामने आए। खैर चाहूं तो मैं इसमें और आपको बताऊं, लेकिन और जानकारियों की तरफ आपको ले चलूंगा, क्योंकि आईपैड की कमी मैं कह रहा हूं बार बार खल रही है, क्योंकि चीजों को अंडरलाइन करना हो गया या फिर जूम इन करना हो गया, जूम आउट करना होगा, उसमें दिक्कतें हैं। अब देखिएगा आगे, ये हैं गोल्ड
छोटी बहन बलरामपुर से, जिनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा सा एक लेटर भेजा गया है। काफी लंबा लेटर है, बताने में टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं और जानकारी आपको दिखाऊं, इस तरह के लेटर मैं कल आपको दिखा दूंगा किसी वीडियो में। अब ये मीरा बहन है शाहजहांपुर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी। कुछ और बहने हैं मीरा बहन शाहजहांपुर से, जिन्होंने कुछ लिख करके भी हमको भेजा हुआ था। साथ ही आप देख रहे, उन्होंने कहा था कि आज मेरे केंद्र पर डॉक्टर द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। तो ये वही वाली जो फोटो है बच्चों का, उनके वहां स्वास्थ्य का परीक्षण डॉक्टर आए थे, उन्होंने किया था। बाकी बहन ने एक लेटर भी हमको लेकर के भेजा था, काफी दुआएं दी हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिखा था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजकली बहन है रायबरेली से आती है, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। बच्चों को देखो यहां पर बेचारी वो पढ़ा रही है, और आप देख सकते हो कि शायद सड़क यानी पगडंडी जैसी है, वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो कृपया जो है यहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाए बच्चों को, अगर वहां पर विभागीय भवन नहीं है तो भवन मुहैया कराने को लेकर के भी थोड़ा ध्यान हो। बाकी देखो ये 15 तारीख वाली जो लिस्ट है वो आपको दोपहर में दिखा चुका हूं, अगर किसी को देखनी हो तो दोपहर का वीडियो देख सकता है। कोर्ट वाली बहनों में जिन्होंने कल सहयोग किया था उन सबके उसमें नाम दिए हैं। अब देखो यहां पर है ये सुशीला बहन जो कि मुरादाबाद से, जिनका भी यहां पर देख सकते हैं कि 1500 रुपया आ गया है, इसके बारे में उन्होंने भेजा था। अब ये रेणु देवी बहन है बरेली से आती है, इनके द्वारा बरेली से डीपीओ महोदय का एक लेटर हमारे पास आया है। ये जरूरी है मैं इसको दिखाना चाहूंगा, 14 दिसंबर का लेटर है डीपीओ का रायबरेली से, जो कि अरुण कुमार सिंह जी हैं, और उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ लोगों को जनपद बरेली में जारी किया है। डेटें आई हैं दरअसल, और इसीलिए जरूरी है ध्यान देना। इसमें लिखा है कि पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की दक्षता और विकास निगरानी की दक्षता, इसको सुनिश्चित करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, उसी के बारे में डेटें आई हैं। तो आइए देखते हैं। तो समस्त आंगनबाड़ी बहने, सुपरवाइजर बहने, और जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, और जो भी यहां पर लोग हैं विकास निगरानी वाले, उनकी यहां पर विकास निगरानी को लेकर के दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। तो 16 दिसंबर 17 दिसंबर 2 दिवसीय प्रशिक्षण होने हैं। आइए देखते हैं कहां पर, किन किन जो जगह पर कैसी कैसी तारीखें लगी हैं। परियोजनाओं के नाम हैं जैसे कि फतेहगंज जो कि पश्चिमी साइड मीरगंज पड़ता होगा, आलमपुर और जाफराबाद एवं जो है फरीदपुर, इतनी जगह जो परियोजनाएं हैं उनका 9 बजे से 11 बजे लगा हुआ है 16 दिसंबर 17 दिसंबर। तो आज जो है आज तो हो गया सो हो गया। अब बहेड़ी है, दमखोदा है, शेरगढ़ है एवं जो है भदपुरा है, 11 से 1 बजे है समय, 16 तारीख से 17 तारीख यानी 16-17 दो दिन में है ये। नवाबगंज, रामनगर और यहां पर मंझगवां एवं जो है भुता 1 बजे से 3 बजे है, 16 और 17 को यहां पर भी है। और शहर क्यारा, बिथरी और चैनपुर एवं भोजीपुरा ये 3 बजे से 5 बजे है 16 और 17 में। तो डेटे सेम है 16 और 17 में सब जगह, लेकिन आपने देखा है समय सबके अलग है, और मैंने अलग अलग भी समय बता दिए हैं, अब ध्यानपूर्वक आप इसको देख सकती हैं जो भी बहनें वहां से आती हैं। अब ले चलते हैं आगे और भी कुछ दिखाते हैं, जैसे कि ये एक बहन है सुनीता तिवारी। अब इन्होंने अपने वहां से आजमगढ़ से एक फोटो भेजी है राशन वितरण की, लेकिन बहनों कहना चाहूंगा इतनी ज्यादा फोटो हमको ना भेजें, जो भी अगर दिखाना है तो एक फोटो भेज दो काफी है, अगर राशन वितरण हो गया ऐसा कुछ भी हो गया तो यहां पर, क्योंकि देखो इन्होंने 14+3+1 ये 14+4 हो गए, 18 फोटो हो गई, 18 फोटो बहन ने भेजी है। तो आगे प्लीज ध्यान दें, इतनी ज्यादा फोटो ना भेजें, क्योंकि सभी फोटो दिखा पाना संभव नहीं है, इससे अच्छा कोई एक अच्छी फोटो आप जो भी सेलेक्ट कर लें वही भेज दें बेटर रहेगा। अब देखो सुनील भाई जी का ये नंबर है, मैं फिर दिखाना चाहूंगा, जिन भी बहनों के पास अगर ना हो तो देख लें, जिन्होंने सहयोग राशि भेजी हो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट सुनील भाई को ना भेजा हो तो कोर्ट के लिए जो भी सहयोग राशि आपने दी है तो सुनील भाई जी को नंबर पर आप उनको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और जिनको भेजना हो नंबर ना हो तो हमसे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं। अब देखो आगे क्या चीजें हैं कि शिक्षक को पीटा है रसोइयों में, जो यानी रसोई में तोड़फोड़ की है, यानी शिक्षक को पीटा है रसोई में तोड़फोड़ की है, एक ऐसा आर्टिकल सामने आया। ये जो ढी ब्लॉक पड़ता है वहां के क्षेत्र में जो है खेतौधन गांव है स्थित जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। तो आप देख रहे इस तरह से बोला जा रहा कि दबंगई का एक मैटर सामने आया है और ये भीम आर्मी वालों की तरफ से। खैर जो है आर्टिकल मैं आपको बता सकता हूं, बाकी जांच में चीजें स्पष्ट होंगी। तो प्राथमिक विद्यालय जो है खेतौधन वगैरह की जांच करती पुलिस आंगनबाड़ी और शिक्षिकाओं से भी की है अभद्रता, ऐसा मैटर सामने आया है ढी वगैरह से ब्लॉक में, आप देख सकते हो। तो यहां पर आपको बता दें प्रभारी प्रधानाध्यापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस ने मौका मुआयना करके जांच भी शुरू कर दी है। अब देखो ये चीजें गलत है, यानी अभद्रता नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हो सब यहां पर टूटा फूटा सब पड़ा हुआ सेंटर का, बताओ मुश्किल से कुर्सी भी आप सब देख सकते हैं इस वाली भी फोटो में सब टूटा पड़ा है, मुश्किल से बेचारे जो भी वहां गरीब बच्चे होंगे जो पढ़ने आ रहे होंगे उनके लिए मुश्किल से चीजें हो पाई होंगी, कभी किसी समझ
समस्या के चलते, कभी किसी समस्या के चलते, और ऊपर से आप तोड़फोड़ कर देंगे। किसी समस्या का हल तोड़फोड़ नहीं होता है। अब ये नुकसान हुआ है, और वो केवल सरकार का नुकसान नहीं हुआ है, वो बेचारे उन मासूम बच्चों का भी हुआ है जो कि वहां पढ़ने जाते हैं। और स्कूल जो है क्या होता है, स्कूल मंदिर होता है, शिक्षा का ये मंदिर एक तरह से, और वहां पर तोड़फोड़ करना, ये कहां की जो है यहां पर ठीक बात तो है नहीं। ये चीजें जो है अपने आप में यही दर्शाती हैं कि ये बातें बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो भी समस्याएं हैं, अगर कोई दिक्कत रही प्रधानाध्यापक से या जो भी, तो उसका प्रूफ के साथ में कार्रवाई करने के लिए आप जो है चीजों को आगे बढ़ाओ। जो भी लीगल प्रोसेस है, जैसे कि डीएम से हो गया, आप जो उनको समस्या बताओ या बैठ जाओ वहां पर, जो भी दिक्कतें हो रही उनको आगे बढ़ाओ मैटरों को, तो ठीक है। लेकिन तोड़फोड़ समस्या का हल नहीं होता। ये बेचारे उन गरीब परिवारों के लिए दिक्कत है जिन्होंने अपने बच्चों को, बेचारे जो अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते वो वहां पढ़ा रहे हैं, अब उनके लिए क्या होगा सोचो। अब बोला जा रहा कि स्कूल में दबंगों द्वारा की जा रही दबंगई देख करके मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिकाओं से भी अभद्रता करते हुए गाली गलौज की है। यही नहीं, स्कूल के अंदर दबंगई करने आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जहां स्कूल से जमकर दबंगई दिखाई, तो वहीं फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी दी है। हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, तो अब जांच पड़ताल तो होगी, सब टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। खैर, जो भी कारण हो, आप उन कारणों को लेकर के जो चीजें हैं लीगल हैं उन चीजों को लेकर आगे हमेशा बढ़ना चाहिए, और इस ऐसी जगह पर ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, ये गलत चीजें हैं। फिलहाल के लिए आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। एक हमारे सामने ऐसा मुद्दा आया था, अब देखो आंगनबाड़ी केंद्र से आनन फानन हटाया गया एक्सपायरी डेट का जो है पुष्टाहार, एक ये तो मैटर आया, मैंने आपको इसको दिखाया। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से घूस लेने के आरोप में मुख्य सेविका निलंबित हो गई है, एक ये मैटर लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जो है नवागत जो निदेशक हैं आईसीडीएस की सरनीत कौर ब्रोका, इन्होंने बृहस्पतिवार को भी कुशीनगर के खड्डा ब्लॉक में तैनात मुख्य सेविका मंजू श्रीवास्तव, इनको निलंबित कर दिया है। मंजू को अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से घूस लेते हुए वीडियो वायरल होने के जो है आधार पर निलंबित किया है। उन्हें डीपीओ अमेठी के कार्यालय में संबद्ध करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच राज्य पोषण मिशन में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी को सौंप दी है। निदेशक आईसीडीएस की ओर से जारी निलंबन आदेश के मुख्य सेविका के संबंध में वायरल वीडियो में मंजू को नगद राशि लेते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैटर आते हैं, यानी सबूत होते हैं बावजूद इन चीजों के। आप देखो आंगनबाड़ी बहनों से अगर कुछ भी हो या कैसा भी हो, ना भी हो तो भी जबरदस्ती धमकियां दे दे करके उनकी नौकरियां छीन ली जाती हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं सेवा समाप्ति कर दी जाती हैं। लेकिन यहां पर ये जो प्रावधान होते हैं इन सिचुएशनों में, यहां पर जो भी कोई अधिकारी हो या वैसे कर्मचारी हो शासकीय, उनको नौकरी से नहीं कोई हटा पाता है, उनका निलंबन हो जाएगा, यहां से वहां संबद्ध कर दिए जाएंगे, बस यही सब चलेगा और कुछ नहीं दबाव हो पाता। ज्यादा ज्यादा कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, अंत में जीतेंगे, सब मैटर ठंडा हो जाएगा, बाद में पैसा का पैसा भी मिल जाएगा, सब काम उनका ओके हो जाएगा। लेकिन हमारी बहनों के साथ क्या होता है, उनको सीधा नौकरी से हटाया जाता है। तो जो भी है गलत है ये जो है, देखो नियम कायदे अगर किसी भी काम के वो एक होने चाहिए, इतना ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो बहनों के लिए फिर यही प्रोसेस हो तब तो ठीक है। तो खैर जो है गलत काम का गलत नतीजा होता है, मैं ये नहीं कहता कोई बहन ऐसा करे और उनके फिर जो है बीच बचाव में चीजें हों, लेकिन गलत है तो फिर इन लोगों को नुकसान क्या होता है ये समझ में नहीं आता कि निलंबन हो गया, मान लिया निलंबन हो गया तो क्या उनकी नौकरी चली गई या उनके साथ क्या हो गया, वो यहां से हटा करके वहां कर दी गई, यहां से हटा करके वहां, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, उनका तो कुछ नहीं बदला, अरे यहां नहीं तो वहां कर रही। जो उनकी मान लो कोई अगर भ्रष्टाचारी में लिप्त कुछ कर रहा है तो क्या वो जो है सुधर जाएगा ये ऐसा करने के बाद, नहीं, वो जहां जाएगा वहां करेगा। तो मेन समस्या तो उनकी हल नहीं हुई, तो ये समझिएगा ना, ये चीजें ये हैं मेन पॉइंट कुछ ऐसे हैं। अब देखो मौका, 4000 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्तियां होंगी, एक ऐसा भी मैटर सामने आया। अब मैं दिखाना चाहूंगा इसको भी देख लो, काफी जानकारी काम की है, लखनऊ से मैटर है। वेलनेस सेंटरों पर जल्द की जाएंगी इनकी तैनातियां, सभी केंद्र चालू होने पर डोर स्टेप पर इलाज मिलेगा, यानी घर घर दस्तक पे आप समझ लो कि ऐसे इलाज मिल जाएगा, ऐसा मानना है। होगा कि नहीं होगा वो वक्त पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य विभाग में 4000 हेल्थ कम्युनिटी अफसर यानी कि जिनको हम सीएचओ बोलते हैं, उनकी भर्ती करने जा रही है, इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इन पदों पर बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है,
ऐसे में इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत भी विभाग को नहीं पड़ेगी, जबकि करीब 5500 सीएचओ जो है आपके सीएचओ इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी हाल ही में जो कराए गए थे ना उनकी। अब इसके बाद प्रदेश के करीब 21,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मरीजों को इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। प्रदेश सरकार ने दूरदराज गांव में रहने वालों को भी डोर स्टेप पर इलाज की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सीएससी पीएससी के अलावा वेलनेस सेंटरों को सक्रिय किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे सेंटरों की संख्या करीब 21,000 है और यहां पर लिखा गया है इसमें करीब 11,500 की ही जो है क्रियाशील हैं। हर सेंटर पर सीएचओ की तैनाती है। इन केंद्रों पर जांच और दवा के साथ ही यहां पर जो है टेली मेडिसिन इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहां पर सीएचओ जैसे जो पद हैं उनके लिए भी जल्दी देखने को और भी भर्तियां देखने को मिल सकती है। 4,000 कम्युनिटी हेल्थ अफसर भरे जा सकते हैं। इस तरीके से भी एक मैटर आया। तो आज के इस वाले वीडियो को यहीं रखते हैं और आप सब बहनों को फिर सुबह 7 बजे की खबरों में मिलते हैं। प्लीज कमेंट कर दिया करें जो भी आपको कहना हो। बाकी अगर हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समय निकाल कर देख जरूर लेता हूं क्योंकि बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां होती हैं, मैसेज पढ़ना और व्हाट्सएप पर भी सब चेक करना, फिर वीडियो बनाना, बोलना, एडिट करना, उसके बाद अपलोड करना, बहुत सारी चीजें होती हैं और वो भी इतने इतने वीडियो, हर एक वीडियो के लिए 1.5 घंटा कम से कम लग ही जाता है। अब ऐसे चीजें होती हैं तो आप समझो कितना टाइम इसमें भी जाता है और ऊपर से फिर अगर कमेंट रह जाए या किसी का कुछ रह जाए तो उसमें जो है नाराज मत हुआ करें कोई बहने, ये आपको हम कहना चाहेंगे। जैसे ये शिकायत कोई बहने ना करें कि हमारा मैसेज नहीं दिखाया गया, हमारा ये हम खबर भेजते हैं, हमारा नाम नहीं आता, ये चीजें, क्योंकि खबरें बहुत सी बहनें भेजती हैं। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कोई बहनों ना भेजो, तो ये भेजती हर बहन है। कभी कोई बहन जो जिनका जल्दी आ गया तो उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, उनका खबर लगा दिया लाइन में तो उनका आ गया। अब वही सेम खबरें अगर और आती रहेंगी तो उनको थोड़ी फिर बार बार उन्हीं खबरों को लगाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए बहनों, अगले वीडियो में सुबह मिलेंगे।